सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल चैनल महालक्ष्मी की ओर से आषाढ़ शुक्ल पंचमी की पूर्व संध्या पर रोजाना की तरह आपके पास रात को 8 बजे यूट्यूब पर आए हैं सादर जय जिनेंद्र। आज कोई भूमिका नहीं, आज हम कोई चेहरा अपना नहीं दिखाएंगे, पर्दे के पीछे हम जाएंगे और संत श्रोमणी आचार्य श्री सभी के गुरुवर को हम पर्दे पर लाएंगे। 50 साल से पुराने चित्र दिखाएंगे, आप देखकर गदगद हो जाएंगे क्योंकि कल आ रहा है अपने गुरुवर का, आप सभी के गुरुवर का, सबका गुरुवर का 54वां दीक्षा दिवस। हम तो कहेंगे अभी तो हमारा जन्म नहीं हुआ और उनका है यह 54वां जन्म दिवस। देखिए आज उन पुराने चित्रों के साथ गुरुवर के चरणों में हम भी बैठ जाएं। कहां से करें गुरुवर की शुरुआत, यह सोचने में मन विचलित लगता है। अरे यहाँ देखिए, हजारों जब उनके पीछे चलते हैं मन अपने आप गदगद होने लगता है। जिधर एक चरण बड़े गुरुवर के हजारों चरण पीछे चल जाते हैं, धर्म कोई भेद नहीं करता, सब धर्म वाले बन जाते हैं। अहिंसा का नारा लगता है, गुरुवर जहाँ बढ़ते जाते हैं कहते जहाँ चरण पड़ जाते हैं वहीं एक तीर्थ बन जाता है, वहीं पर चल तीर्थ के रूप में हजारों का गुणगान होता है। धन्य है ऐसे गुरुवर, और ऐसे गुरुवर के बारे में कहते हैं जो कुछ भी कहा जाए वह शब्दों में कहीं बयान नहीं किया सकता। शुरुआत करते हैं इसी घर से जहाँ पर जन्म हुआ था विद्याधर का। यही घर था जहाँ पर पिताजी से मार भी पड़ती थी, यही घर था जहाँ पर 100-100 दंड बैठक दंड के रूप में मिलती थी, यहीं पर उनका बचपन गुजरा था, जहाँ पर जब उन्हें चॉकलेट खाने का बहुत शौक था पर जब मालूम चला दांत खराब कर लेंगे जेब खर्ची मिलनी बंद हो गई थी, अपने स्कूल के बैग में पाठ है पुस्तकों के साथ जिनवाणी रखना कभी नहीं भूलते थे। बचपन में कभी भी उनको दर्द हुआ, मौज हुई तो माताजी हमेशा सिलोंस बाम लगाती थी। साइकिल पर कभी हेजी घर से निकलते तो हमेशा पीछे बैठते, मालूम चलता पुलिस वाला सामने है 5 रुपये देने पड़ेंगे, चुपचाप उतर जाते। ऐसे रहे हैं हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी। हम सबकी ही नहीं गुरुवर की भी दीक्षा से पहले हुई थी परीक्षा। जैसे ही अपने दादा गुरु के पास पहुँचे उन्होंने ऊपर से नीचे तक निहारा, और जब इन्होंने कहा कि मैं आपके चरणों में कुछ सीखने आया हूँ तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया नीचे से ऊपर तक देखकर, बहुत से विद्याधर आते हैं लेकिन यहाँ सभी पढ़कर उड़ जाते हैं। ये कन्नड़ जानते थे, वो हिंदी में बोल रहे थे, कुछ आपस में समझ नहीं आया, बिल्कुल गर्दन नीचे करके चुपचाप खड़े रहे। अगले दिन समझ आया तब इन्होंने उनके सामने कहा, गुरु जी मैं आज ही से वाहन का त्याग करता हूँ और पहली ही परीक्षा में वह पास हो। अब आपको दृश्य दिखा रहे हैं दादा गुरु के और सबके गुरु के एक साथ, पर इन दृश्यों के साथ देखकर आज याद करते हैं आचार्य श्री कितनी तेज विहार करते हैं। कहते हैं बचपन से ही छलांगे लगाने का खूब शौक था, खेल कूद में छलांग लगाते थे, और यही नहीं विद्याधर जी ने विद्या मंदिर में प्रवेश करने के बाद पहली दूसरी कक्षा तो पढ़ी पर फिर छलांग लगाकर तीसरी गायब, सीधा चौथी में पहुंच गए। यह उनकी प्रतिभा का प्रणाम था। शिक्षा के उपरांत आचार्य देशभूषण संघ में ब्रह्मचार्य व्रत लिया तो सीधे वे 2 प्रतिमा अंगीकार कर एकदम छलांग लगाकर 7 प्रतिमा के व्रत धारण कर लिए। फिर मुनि ज्ञान सागर जी की शरण पाई तो युवा विद्याधर जी ने, उस समय युवा को दीक्षा नहीं दी जाती थी लेकिन तब भी इन्होंने ना शुल्लक बने ना अलग बने, सीधा आगे बढ़ गए और विद्याधर विद्यासागर बन गए। कहते हैं बचपन में छलांग लगाने वाले आज भी विहार करते हैं तो अच्छे अच्छे हैरतगंज हो जाते हैं। गुरु के साथ दादा गुरु की बात कर लेते हैं। देखिए वह चश्मा लगाते थे और वहाँ सोनिया जी की नसिया अजमेर में जब वह स्वाध्याय करते थे इस चश्मे के कारण तो कई ज़्यादा ज्ञान वाले लोग नमस्कार नहीं करते थे। तब पता चला कि आप चश्मा लगाते हैं और यह मुनियों के लिए परिग्रह के कारण है, बस इसलिए नमस्कार नहीं करते। यह सुनकर दादा गुरु ने क्या जवाब दिया, कहते हैं आपका कथन तो सही है, हो सकता है यदि चश्मे का परिग्रह के रूप में रखा जाए तो, यानी सौंदर्य का सेवन किया जाए, पर मेरी आंखें कमजोर हैं, शरीर स्वस्थ है, यानी अभी मैं समाधि नहीं ले सकता, तो खाली बैठकर क्या करूँगा, अध्ययन नहीं करूँगा तो रत्न तरह कुशल नहीं रह पाएगा, प्रौढ़ नहीं बन पाएगा, विशुद्ध नहीं बन पाएगा, इसलिए चश्मे के माध्यम से मैं स्वाध्याय चर्या समिति का पालन करता हूँ तो इसी से मेरे कर्मों का बंध नहीं होता, निर्जरा होती है। तो यह परिग्रह कैसे हुआ, सवाल का जवाब आवाक कर गया और कहते हैं फिर लोगों के चरणों का एक तांता लग गया। तप त्याग के धनी नहीं कलम के भी धनी हैं, स्वाध्याय प्रेमी हैं, ज्ञान के पिपासु हैं,
कहते हर समय ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते रहते हैं, चाहे वे 8 साल के विद्याधर थे जब उनका नाम इसी कारण तोता पड़ गया था, या चाहे वे 20 साल के मुनि रहे हों जब से चित्र आप देख रहे हैं प्राचीन चित्र। स्वाध्याय में कभी कोई भी कहते हैं गुंजाइश नहीं छोड़ी, चाहे आज 75 साल के आप आचार्य ऋषि को देख रहे हों। इसी तरीके से अनवरत स्वाध्याय और लेखन में आज भी इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। स्वाध्याय और लेखन साथ साथ चलता है और उसकी एक मिसाल है यह मूक माटी महाकाव्य का सृजन, आधुनिक भारतीय साहित्य की एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। सबसे पहली बात तो यह, माटी जैसे अकिंचन पद, दलित और तुच्छ वस्तु को महाकाव्य का विषय बनाने की कल्पना ही नितांत अनोखी है। दूसरी बात यह कि माटी की तुच्छता में चरम भव्यता के दर्शन करके उसकी विशुद्धता के उपक्रम को मुक्ति की स्थिति में पहुंचाना है। इसलिए आचार्य ऋषि ने मूक माटी मात्र कवि कर्म नहीं है, बल्कि एक दार्शनिक संत की आत्मा का संगीत है। संत जो साधना के जीवन प्रतिरूप है और साधना जो आत्मविशुद्धि की मंजिली पर सावधानी से पग धरती हुई लोक मंगल को साधती है। उत्कृष्ट केशलोच करते हैं, यानी 2 महीने के अंदर ही अपने सर और बाल मूछों के ऐसे घास फूस उखाड़ते हैं कि देख कर भी आप धन्य धन्य हो जाते हैं। यहां आपको दिखा रहे हैं पुराने दृश्य, आपको देखिए कितने घुंघराले काले बाल थे। हाँ, एक बात और देख लीजिए, ऐसी काली मूछे आपने आचार्य ऋषि की कभी नहीं देखी होंगी इतनी घनी, जो आप यह चित्रों में देख रहे हैं। तप त्याग की पराकाष्ठा है, देखिए चित्रों में आप सब कुछ अपने आप कहते हैं। यह चित्र 30-40 साल पुराने देख रहे हैं आप, कुछ 50 साल पुराने भी हैं। आचार्य ऋषि को जैसे नर्मदा नदी से कितना प्यार है यह साफ झलकता है, उसके तटों पर कितनी बार साधना की है यह यहाँ झलकता है। एक बार तो आचार्य ऋषि खड़े हो गए और ध्यान में ऐसे न हुए, 36 घंटे लगातार अनवरत तप किया। आज भी वह आज कहते हैं तप त्याग की पराकाष्ठा को दिखाता है। आज इन्हीं के कदमों में चलते हुए आज इनके शिष्य भी इसी तरह का तप त्याग करने की कोशिश करते हैं। जंगल वाले बाबा के नाम से चिन्मय सागर जी इसी रूप से प्रसिद्ध हुए, यही कहते हैं तप की पराकाष्ठा को यहाँ देखकर हम धन्य हो जाते हैं। गुरु से दीक्षा मिल गई आज ही के दिन यानी आषाढ़ शुक्ल पंचमी को, और फिर देखिए गुरु से नई पिच्छी भी मिलती है, पाद प्रक्षालन का सौभाग्य भी मिलता है, कहते हैं फिर गुरु दक्षिणा का अवसर भी आ जाता है जल्दी युवापन के अंदर ही। वह कह देते हैं कि अल्प उम्र में ही अब आपको महान आचार्य पद का भार वहन करना होगा, इस पद के लिए लाख अनाकानी की, पर गुरु की अभिनय तो वह कर नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने कहा था कि तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी। बस वह चुपचाप नीचे भीगे नेत्रों को झुकाकर यही कह सके, जैसी आपकी आज्ञा हो वैसे ही करूँगा। मौन स्वीकृति प्रदान हुई और अगले ही दिन 22 नवंबर 1972 को आपका आचार्य पद पर आरोहण हो गया। गुरुवर ने शिष्य को आचार्य पद दे दिया और स्वयं मुनि बन गए, पर अब आचार्य विद्यासागर जी ने जो वैयावृत्ति के दर्शन दिए वे आज भी जनमानस में लोमहर्षक बन जाते हैं, धन्य हो जाते हैं ऐसे दृश्य देखकर। यानी उस समय गर्मी के मौसम में भी आचार्य दादा गुरु बाहर नहीं बैठ सकते थे रोग के कारण, बंद कमरे में रहते थे, तब भी आचार्य ऋषि आप उनके पास जाते उनकी वैयावृत्ति करते, वह दृश्य आप देख रहे हैं वो संबोधन करते। अब जो शिष्य से गुरु बन गया था उन्होंने ही उनको समाधि के उत्तम मार्ग से उत्तम जगह पर पहुँचाया, और यह है उनकी 55 साल पुरानी खिलखिलाहट मुस्कुराहट जो आज भी जीवंत है उनके चेहरे पर। यही भावना बातें हैं कि हर वर्ष हर मिनट हर पल उनकी यही मुस्कुराहट हर समय रहे, बस वह गदगद मुस्कुराते रहें और हम धन्य होते रहें। और यह हैं वह चरण जिसकी रज पाने के लिए हर श्रावक वाक व्याकुल हो जाता है। अरे ये चरण जो कि रज लग लग कर माथे का चंदन बन जाती है, मस्तक पर लग जाती है, तो कहते हैं हर कोई कृतार्थ हो जाता है। इन्हीं चरणों का वंदन करते करते आचरण को हम पकड़ लेते हैं, कहते हैं जिसने इन चरणों को छुआ वह आचरण से पहुँच कर उस रास्ते पर चल सकता है जिस रास्ते पर उन्होंने हजारों को चला दिया है। और यही वह हाथ है जिसकी रेखाएं आज कहती हैं ऐसा ही आशीर्वाद के जब उठता है तो हजारों लोग गदगद हो जाते हैं।
यही आशा करते हैं गुरुवर हमारे इतनी आयु जिए, इतनी जिए कि हमारी आयु भी उनको लगती जाए और वह स्वस्थ जीवन व्यतीत करते रहें, मोक्ष मार्ग पर बढ़ते रहें और हजारों को बढ़ाते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ चरणों में नतमस्तक होते हुए बारंबार वंदन करते हैं, नतमस्तक होते हैं गुरुवर को, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।